उज्जैन की लहसुन मंडी में यहाँ पर जिले के कई ग्रामीण जो है अपने लहसुन की फसल बेचने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। अलग अलग वेराइटियों की लहसुन यहाँ पर बिक रही है। हालांकि इस बार आज के अगर पिछले हफ्ते से अगर आज की बात करें तो आज किसानों को रेट थोड़ा कम मिल रहा है। हमारे साथ जो ऑप्शनल यहाँ पर लगाते हैं वो हमारे साथ में है यहाँ पर सचिव, क्या रेट अभी चल रहा है अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें या इस अभी तक की बात करें तो किस तरह का रेट किसानों को मिला है? देखिए, लहसुन का जो रेट था वो पिछले हफ्ते जो है 10,000 से 12,000 जा रही थी, लेकिन लहसुन का जो है वो अभी ख़राब लहसुन आ रही है क्योंकि लहसुन की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो अच्छी लहसुन है वो 10,500 तक जा रही है और मिडिल क्लास की जो लहसुन है वो 6,000 से 7,000 रुपये तक बिक रही है। बाकी नीचे में लहसुन 4,000 से ऊपर है। बाकी लहसुन में क्या है, अब की बार थोड़ी सी क्या बीमारी है और लेमन जूस हो गई है लहसुन, तो उस कारण से भाव में थोड़ी सी गिरावट है। किन किन वेराइटियों की लहसुन अपने यहाँ ज़्यादा आती है? यहाँ पर अमरेटा ज़्यादा आती है और अमरेटा के बाद में ऊटी है, जीटू है, तुलसी है, ये लहसुन भी आती है। लेकिन जो अच्छी लहसुन है जैसे ऊटी है, जीटू लहसुन है, रियावन है, उनके भाव जो रिजनेबल रेट है वही मिल रहे हैं 11 से 12 हज़ार रुपये। सूखी लहसुन अच्छी लहसुन है तो वो 11,500 तक भी जा रही है। जैसा आपने बताया कि लहसुन कुछ अच्छी नहीं आ रही है अभी, तो क्या कारण है इसका, क्या किसान लेके अच्छी आ नहीं? इस बार किसानों का ये कहना है कि जो उपज के समय ही लहसुन में कुछ बीमारी लग गई थी जिससे छोटी रह गई है और पानी पाने के बाद में भी जो है वो लहसुन बड़ी नहीं हो पा रही है। अभी तक की अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट क्या रेट रहा है उज्जैन की मंडी? उज्जैन में नई लहसुन तो 30,000 तक भी बिकी थी, लेकिन वो एक महीने पहले बिकी थी। उसके बाद लहसुन जो है धीरे धीरे जो भाव गिरते गए तो उस हिसाब से लहसुन जो आज की जो रेट अगर हम बताएं तो 11,500 रुपये ही रहेगा। क्या ये और बढ़ने की संभावना है या कम होगा इसमें? अभी लहसुन में कुछ कह नहीं सकते। लहसुन का ऐसा व्यापार है कि इसमें बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये जानकारी अभी कह नहीं सकते। तो आपका नाम? राहुल बालेचा, सहायक उपनिरीक्षक। ये थे हमारे साथ सहायक उपनिरीक्षक। अच्छा, एक चीज़ और बताइए किसान भाइयों को कि जो अभी होली का पर्व भी आना है तो क्या किस दिन अवकाश है यहाँ पर? मंडी कल बैंक बंद होने से कल लहसुन मंडी का जो है अवकाश रहेगा और सोमवार को दुलंडी पर्व होने से आलू प्याज और लहसुन मंडी संपूर्ण तरीके से बंद रहेगी। आलू प्याज की मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी। कब से किसान अपनी फसल लेके? ये मंगलवार से ला सकते हैं वापस। तो देखा आपने, मंगलवार से किसान अपनी फसल जो मंडी में लेकर आ सकते हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। दादा, आप भी लहसुन लेके आए हो? हाँ, लहसुन लेके आए। कौन सी लहसुन है? ये देसी लहसुन है। देसी है? क्या भाव? अब इसके पहले भी बेचा आपने? नहीं बेचा। क्या भाव? अभी आज भी मालूम पड़े, अभी आए नहीं। हाँ, अभी आए नहीं। तो क्या लगता है आपको कितना भाव मिलेगा? अब क्या मालूम है, जो भाव उम्मीद लेके आए थे कि इतना भाव में बिक जाएगी। हाँ, बिक जाएगा 8-10 हज़ार। आप भी किसान? हाँ, बिल्कुल, मैं भी किसान हूँ। कौन सी लहसुन है आपकी? मेरे जीटू लहसुन है, अभी बिका नहीं है। हाँ, कौन से गाँव? रलायता है। वैसे कितनी लहसुन लेके? मैं 5 कटे लेके आया हूँ। क्या भाव? अब देखो कि बिकता है तब बताए क्या भाव बिक। पहले भी मंडी करी है? फर्स्ट बार आया हूँ मैं इस साल फर्स्ट आया हूँ। हाँ, इसके पहले भी कभी करा है? 15 साल से लगातार करता आया हूँ मैं। 15 साल में ऐसा भाव मिला कभी? ऐसा भाव 15,000 तक भेजा मैंने। 15,000 तक भी? हाँ। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार जैसे अब भाव के ऊपर है, जैसा मिल जाए समय पे वो सही। अभी धीरे धीरे बेचेंगे, एकदम नहीं। से जो भाव बढ़ा था एकदम 200 पार हो गया था लहसुन का, तो क्या लगता है फिर से वो लगता है, उम्मीद तो है कि बढ़ेगा। आपने भी स्टोरेज कर रखी है? स्टोरेज कर रखी है और बाकी बेचेंगे, बाद में बेचेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बेचेंगे। क्या नाम है? कमल सिंह, रलायता अहमद। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान, इन्होंने बताया कि 15,000 तक इन्होंने लहसुन का भाव इनको मिला है, लेकिन अभी की स्थिति देखी जाए तो लहसुन का भाव धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। लहसुन के भाव का बताया जा रहा है कि कभी भी इसमें उछाल आ सकता है। हालांकि 3 दिन अवकाश होने के बाद मंगलवार को मंडी फिर से नीलामी के लिए शुरू होगी। उज्जैन कृषि उपज मंडी से गगन सिंह की रिपोर्ट।